बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना आपको आज बताऊंगा बाबा साहब के द्वारा लिखित उनके लिटरेचर में से कुछ नए तथ्यों के साथ आप, और ये वॉल्यूम 2 पेज नंबर 29 पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश है पूरा लिटरेचर, कोई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। खंड 2 है। कहा जा सकता है ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे ये अधिकार सीमित रूप में अपने भारतीय प्रजाजनों को दे दिए हैं। नागरिकता की सार्थकता के लिए दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार हैं। पहला प्रतिनिधित्व की का अधिकार, दूसरा राज्य के अधीन पद धारण करने का अधिकार। लेकिन अस्पृश्यों, अछूतों की अस्पृश्यता उन्हें उनके इन अधिकारों की पहुंच से कोसों दूर रखती है। तो अंग्रेजों ने भी जो दिया सिस्टम, उसमें भी वो अछूतों के लिए कुछ नहीं था। कुछ स्थानों पर तो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे मामूली अधिकार भी प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समता का भी उन्हें सदा आश्वासन नहीं मिलता। ये सब अछूतों के हित हैं, जैसा कि स्वतः स्पष्ट है। उनका प्रतिनिधित्व केवल अस्पृश्य ही कर सकते हैं, ये उनके वास्तविक हित हैं, और वास्तव में कोई अन्य उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। मुक्त व्यापार हित की आवाज़ एक ब्राह्मण, एक मुसलमान तथा अथवा मराठा समान रूप से उठा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अछूतों के हितों की आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो अस्पर्श नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वो नहीं उठा सकते। अस्पृश्यता के अधीन एक निश्चित हित समूह आता है, और उसके लिए केवल अस्पर्श ही आवाज़ उठा सकता है, अछूत ही आवाज़ उठा सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि ऐसे अस्पृश्यों को खोजना ही होगा जो अपने शिकायतों और हितों को प्रस्तुत कर सकें। दूसरे ही इतनी संख्या में खोजना होगा कि वे ऐसी शक्ति बने कि अपने दुख दर्द के बारे में मांग प्रस्तुत कर सकें। यानी कि मतलब उनको संगठित करने के लिए कि वो पॉपुलेशन में कितने हैं, एक अलग से लाइक जनसंख्या गिनती कह सकते हैं, जो कि कास्ट वाइज होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सामान्य प्रादेशिक निर्वाचक मंडल कानून बनाने वाले निकाय में पर्याप्त संख्या में अस्पृश्यों को चुनकर भेज सकेंगे, एक सवाल खड़ा होता है। पिछले आंकड़ों से हमें पता चलता है कि अस्पृश्य अछूत, हालांकि जनसंख्या में प्रति हज़ार संख्या की दृष्टि से 69.5% थे, पर उन्हें अपने वर्ग से एक भी मत नहीं मिला। मतलब इतने परसेंटेज होने के बाद भी एक भी वोट नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य निर्वाचक मंडल में उनके लिए उम्मीदवार को चुनना असंभव है। दूसरी ओर उन्हें स्पर्श उम्मीदवार के लिए स्पर्श हिंदुओं के वोटों से भी हाथ धोना पड़ेगा। जातियों का वर्गीकरण एक ऐसा निश्चित धर्म सम्मत आधार प्रस्तुत करता है जो अस्पृश्यों पर दोहरी मार करता है। यह निम्न वर्ग के प्रति सम्मान पैदा करता है, जबकि उच्च वर्ग के मान में निम्न वर्ग के प्रति अपमान। इस प्रकार सम्मान का पलड़ा भारी और घृणा एवं अपमान का पलड़ा हल्का हो जाता है, और अछूतों का दोनों तरफ से तिरस्कार किया जाता है। अस्पृश्यों को एक भी वोट दिए बगैर उनके मतों के पहले ही अत्यंत कम संख्या पर निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में चुने जाएंगे। यानी जो बाबा साहब जो इसमें कह रहे हैं वो लाइक दैट पृथक निर्वाचन के जो उन्होंने अधिकार की मांग की थी बाबा साहब ने, वही चीज़ को उन्होंने इसमें बताया कि उस वो
वो पृथक निर्वाचन आयोग की मांग क्यों करनी पड़ी, उसके कारण बाबा साहब ने इस टॉपिक में, इस अध्याय के अंदर, इस अपने थॉट्स में दिए हैं। तो सभी साथियों का मेरी बात को सुनने के लिए, बाबा साहब के विचारों को सुनने के लिए मैं बहुत दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और अगले एपिसोड में बाबा साहब के दिए हुए नए विचार के साथ मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।